नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। गोवा में बीजेपी सरकार के सामने मंडरा रहा खतरा अब खत्म हो गया है। कल देर रात करीब 2 बजे प्रमोद सावंत ने गोवा के सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही गोवा में अब 2 डिप्टी CM होंगे। बड़े भाई मुकेश अंबानी की मदद से छोटे भाई अनिल अंबानी ने एरिक्सन कंपनी के 550 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया है। ये पैसा ना देने की सूरत में मुकेश अंबानी को जेल जाना पड़ सकता था। प्रियंका गांधी की वोट यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज वो विंध्याचल में पूजा करेंगी। आपको बता दें कि इस समय प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिवसीय चुनाव प्रचार अभियान पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक 137 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब तक 5वीं लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी पार्टी ने अपनी पहली ही लिस्ट जारी नहीं की है। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।